परेशान है यार वो लौंडा पाप, क्या ही बोलूं अभी, थोड़ा ज्यादा बोलूं तेरे को भी थोड़ा तो बुरा लगना ही है कहीं ना कहीं, बट वो अजीब लग रहा है यार, he's like crying every day. आदमी है ना पक्का, वो बहुत कोशिश कर रहा है कि वो गेम खेले and then he's again you know coming back to the game on. मेरे को ये समझा गेम ऑन क्या होता है, मैं बिच नहीं कर रहा, मैं आई एम आस्किंग अ जेन्युइन क्वेश्चन, गेम ऑन क्या होता है, गेम ऑन बता मेरे को, क्या गेम ऑन हुई है उसकी, चिल्लू भर पानी में डूब रहा हूं. जस्टिन, he doesn't talk about you, I don't want him to talk. मेरे बारे में बात करने बोल, मेरे बारे में क्या बोल पाएगा, उसके सामने दो टास्क जीता उसके और उस दोनों टास्क में खड़ा रह गया वहां पे, कर ले कर ले. आज से कितने प्यार से बात करता हूं, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है. जाओ, तू मेरी बात कर रहा था वहां पे, तेरी बात कर रहा था. यस, क्या बात कर रहा था, मैं ये बात बोल रहा था कि मेरे को जहां तक लगता है तेरे गेम ऑन की बात, वो गेम में समझ नहीं पा रहा हूँ, या तो ये हो सकता है बहुत स्लीक गेम है, या तो कुछ गेम नहीं कर पा रहा, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या है, तू चाहता है साक्षी जीत जाए गेम तो वेल एंड गुड, क्योंकि वो जीतेगी मेरे साथ पक्का, टेंशन मत ले. जो तेरे ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो तो लेके डूबेगा, हो सकता है, बट मैं ऐसे ही अभी बता रहा हूं, हो सकता है, मैं कहां बना बता रहा हूं, जो समय का जो पहिया है ना वो कभी एक जगह नहीं रहता है, 22 साल से तो है मेरे साथ ऐसे घूमता है, 22 साल से है ना, टाइम बताएगा, देखते हैं ना, देखेंगे, ये मेरा तू भी है, है, मैं भी यहीं हूँ, देखते हैं वो भी, गुड लक ब्रो, देखते पक्की बात. बेटा मैं भी तुझे देखता हूँ कि तू कितना आगे तक जाता है और तू कैसे जीतता है, आने वाले टाइम पे मैं ये तुझे लिख के दे रहा हूँ, तू इस लड़की को हराएगा और उसका सबसे बड़ा रीजन होगा तेरा ये घमंड एंड तेरा ये एटीट्यूड. टाइम गोस लाइक दिस. I'm not looking like a psycho. I am not. What has gotten into you? Please stop doing all of this. Time will tell, but ye sab mat karo. From here, it goes like this. वक्त बताएगा. कुछ भी हो जाए, जस्टिन को आज किसी भी तरीके से हराना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घमंडी है, उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई है और उसका एटीट्यूड जमीन पे गिराना बहुत ज़रूरी है. जैसी चैलेंज लोकेशन पे पहुंचे, मैंने देखा कि वहां पे एक थ्रोन रखा हुआ है, वहां पे 5 डोर्स है, आइडिया लग रहा था क्योंकि थ्रोन रखा हुआ है ऊपर, तो आज जो भी चैलेंज जीतेगा उसको काफी कुछ मिलने वाला है. हेलो स्पिट्स विलेंस, हेलो, वेलकम टू एमटीवी स्पिट्स विला 14, को पावर्ड बाय वाइल्डस्टोन डियोस एंड परफ्यूम्स एंड ऑन टोटल कंफर्ट. बिफोर वी गेट स्टार्टेड, आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट साक्षी एंड जस्टिन, ऐसे हाथ में हाथ चले आए, क्या हो रहा है? कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है. ऐसे ही मेरे बगल में था वो, तो मैंने हाथ पकड़ लिया, बगल में था इसके लिए. अच्छा, वो जो धीरे धीरे वाला होता है, जैसे चलते चलते पहले उंगली टच होती है, फिर धीरे से दो उंगली और फिर That happened. हुआ क्या? ऐसे हुआ क्या? बता साक्षी, सच बता. साक्षी बोल. I don't know what to say. मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से वो मेरे साथ गेम खेल रहे थे, तो उस बात से मैं बहुत ज्यादा अपसेट एंड बहुत ज्यादा नाराज था, और मुझे उन दोनों की किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. साक्षी, can you just explain क्या हो रहा है? मैम, एक्चुअली मुझे तारा के साइड से बहुत ही कंफ्यूजिंग फीलिंग्स लग रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने बोला कि गेम टू विन मी बैक, एंड देन उन्होंने बोला कि गेम ऑन. उनको ये लग रहा था कि मैं और जस्टिन साथ में प्ले कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ था नहीं. ऑनेस्टली मेरा ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं था कि मैं उनके इमोशंस के साथ प्ले करना चाहूँ, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो जिस दिन आए थे वो, उस दिन ही मैं उनको बोल देती कि यू नो वॉट, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू डू विद यू. बट ऑनेस्टली मैं उनकी फीलिंग्स भी समझने की कोशिश कर रही थी, बट अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं. तारा, आपने भी बोला था कि गेम इज ऑन. शुरुआत वहाँ से हुई थी, तो इसीलिए मैंने बोला था गेम इज ऑन, क्योंकि मुझे बहुत बिलीव था कि वो मुझे मौका देगी, उसने नहीं दिया, और वो जस्टिन ने बहुत ज़्यादा उसे कन्विंस किया था, वो बहुत क्लियर हो गया था, और इसीलिए मैंने गेम ऑन किया, नहीं तो मैं गेम खेलने ही नहीं आया था यहाँ पर. मैं विला में तेरे लिए आया,
और मैंने तुझे एक साल से प्यार किया है और हमारे बीच में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बट तूने मेरे साथ ही गेम खेलना चालू कर दिया। So, आपने गेम ऑन बोला, and today it is game on. Today you guys fight for a throne. Today you guys are going to fight to have ideal match powers. और स्प्लिट्सविला के फाइनल स्टेज में पावर बहुत इम्पोर्टेंट है, और पावर मिलेगी जब आप सब उस थ्रोन पे बैठोगे। नॉट ओनली दे आर गोना सिट ऑन द थ्रोन, बट जो आइडियल मैच की पावर्स है वो होल्ड ऑन भी होंगी। पिछले चैलेंज में मैंने और साक्षी ने वो आइडियल मैच के पावर्स जीते थे, और कहीं ना कहीं इस बार भी हमारा सेम गोल था कि आज के चैलेंज में बेस्ट परफॉर्म करना है, उस थ्रोन पे बैठना है एंड आइडियल मैच के पावर्स पाने। साक्षी और जस्टिन, यू हैड वन पावर्स ऑफ एन आइडियल मैच, बट दैट वाज जस्ट फॉर दैट डंपिंग। सो टुडे यू आर गोना हैव टू फाइट फॉर इट इन एवरी वे पॉसिबल टू गेट दोस पावर्स। वी विल डू आवर बेस्ट। आप दोनों जब खेलते हैं ना, जीतते हैं। Yes, whatever task you have done together, we've always been first. You always come out on top. I hope we continue that streak. Yes, I also hope that. आपको जीतने हैं आइडियल मैच की पावर्स, तो वो आप आइडियल मैचेस के बिना कैसे करोगे? नहीं कर सकते। तो आज का जो चैलेंज होगा उसमें जो आइडियल मैचेस हैं, एक जस्टिन साक्षी के साथ खेलेगा, एक हामिद और संदूस के साथ खेलेगा। Oh my God! Finally, अगर हम जीत गए तो हमारे आइडियल मैच के पावर्स रिस्टोर हो जाएंगे, तो हमें तो जीतना ही था। So do you guys want to decide? I want to ask Kashish and Lena. I want to perform with Hamid and Sundar. I want to perform with Amir. I want to perform with Akash Lena. I want to go to the finale. And for that, what are all the possibilities that can go to my advantage or maybe disadvantage? And how can I like just turn the table for my favor? मतलब अगर मैं उसके खिलाफ हूँ और मैं उसी के साथ परफॉर्म करूँ, वो क्या मतलब है? You think Hamid is not strong? उसने मुझे हराया है हम दोनों को। First are gonna make a stronger team. Hamid, Sundus, Kashish, like are you okay playing with us? But tell me one thing, Hamid को नहीं चाहता वो मेरे साथ खेले, वो मेरे against खेलना चाहता है। Me and Sundus want to perform. हाँ, but वो दोनों मुझे बोल रहे हैं कि हमको करना है, तो मैं कैसे उनको मना करूँ? मुझे नहीं करना उनके साथ। आज का चैलेंज बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं हामिद और संदूस के साथ में परफॉर्म करूं। लेट मी डिसाइड फॉर वन डे। यार उसने मना कर दिया ना हामिद ने अभी यार। नहीं कशिश, आई ऑलवेज आस्क यू सिंस डे वन। अरे बट हामिद ने मना तो करा है, हामिद को आगे करना है। ओके, इफ यू एग्री यू आर गोना एग्री राइट? बट तेरा प्रायोरिटी पहले से आमिर है। आमिर, डज इट बदर यू इफ यू प्ले विद जस्टिन एंड साक्षी? बट व्हाई डू यू वांट टू प्ले विद हिम? आई डोंट वांट, आई वांट टू प्ले विद आकाश नाउ, एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू प्ले विद कशिश सिंस डे वन। अरे बट वो तुम्हारे दोस्त। अरे व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? नहीं, ये तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है भाई? तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मुझे कशिश के साथ परफॉर्म करने में, मेरा दोस्त है। मैं उस चुड़ैल को अपनी टीम में लेना भी नहीं चाहती थी कि वो कहीं फक अप कर देगी। उसको समझ में आता नहीं है कि पावर्स उसे भी मिलेगी, दिमाग थोड़ा उसमें कम है। आमिर, तू तेरा 100% देने वाला है भाई, हम लोग के साथ खेलेगा भाई। इधर एक स्टेज का गेम आ गया है कि भाई सब एक दूसरे से गंदगी कर रहे हैं भाई। देन लेट्स शूट। या डन, वी विल परफॉर्म विद आमिर एंड डन डन। क्या डिड दैट जस्ट हैपन? उसका आइडल मैच इसका बेस्ट फ्रेंड है, मैं क्या करूं? बिल्कुल समझ नहीं आया कि भाई का मतलब हामिद ने कशिश को क्यों चुन लिया इस चैलेंज के लिए। नहीं समझ आ रहा था क्या गेम चालू है यहाँ पर। अर्जुन भाई, हाँ, इतनी लड़ाइयों के बीच में मैं एक बात बताना भूल गया। बता यार। आज हनी के नेक पे कुछ लगा हुआ है। अरे यार, अरे लग गया, कोई मॉस्किटो काटा है शायद। अरे नहीं, वो मॉस्किटो। इंसेक्ट था भाई, वो रात को मैं हनी हमारा है ही इतना मीठा कि सारी मॉस्किटो हनी के आग पास आके चुपक जाए। मूस पहली बार चुप है सर। हाँ, मूस कुछ नहीं बोल रही है। मूस से समथिंग। सर सच्ची में कीड़े बहुत हैं। मेरे को पता नहीं कौन सी कीड़ी के साथ घूम रहा था। इट्स नॉट मी। कीड़ा बहुत ही जहरीला था।
ओके चैलेंज पे आते हैं। यस सो आज हमारा पहला स्टेज में संदूस हामिद एंड साक्षी एंड जस्टिन यू विल बी टाइड टुगेदर विद थ्री सेपरेट रोप्स। आपको कनेक्शन के साथ वो दरवाजा तोड़ना है। जब आप पांचों दरवाजे तोड़ के दूसरी तरफ पहुंचेंगे तो वहां आपकी टीम का जो आइडियल मैच है वो वहां वेट कर रहा होगा, वो आपकी रस्सियां खोलेगा एंड देन वही सेम रोप से उनको एक परफेक्ट इंटरसेक्शन क्रिएट करना है, डिग करना है और हमें चाबी निकाल के देनी है जो एक संदूक की है। उस संदूक में एक पजल है जो हमें ऊपर चढ़ के सीट पे जाके बनाकर उस पे बैठना है। जो कपिल सबसे पहले थ्रोन पर बैठ जाएगा वो अलोंग विद देयर टीम आइडियल मैचेस आज का चैलेंज जीत जाएगा। सनी चैलेंज का नाम क्या है? किस्सा कुर्सी का। जस्टिन साक्षी हामिद संदूस रेडी? यस। दो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कपल है तो अब हम एक दूसरे के अगेंस्ट जाने वाले थे। रिमेंबर दिस इज अ फाइट फॉर द थ्रोन। राजा क्या सिंहासन पाप की परिभाषा पावन अधर्म अखंड क्षय्या परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। 3, 2, 1 go. बंदे हेड टू हेड चल रहे हैं, एक बंदा दरवाजा तोड़ रहा था दूसरा भी तोड़ रहा था। ऑल द बेस्ट गाइस, चलो चलो। 3, 2, 1 हामिद से पहला जस्टिन पहुंच गया था सारे दौड़ को तोड़ते हुए, साथ ही साथ उसके पीछे हामिद भी बहुत फुर्ती में आ रहा था। अच्छा अच्छा बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी थी कि मैं शोल्डर वाली रोप खोलूंगा और उस रोप को लेके इंटरसेक्शन बनाने जाऊंगा। बहुत बढ़िया, नाइस गाइस, नाइस, चलो वेरी गुड, अमेजिंग ग्रैंडमा, अमेजिंग। तू जा उधर, जा उधर, जा। मैंने मेजरमेंट करके सबसे लंबा रोप रखा दिया, मैंने वो सब पकड़ लिया। हम लोग ऑलमोस्ट नेक टू नेक चल रहे थे। चल 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 रेडी हो जा। और आकाशी यारों ने रोप लगाया एंड एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। डिग इट, डिग इट, डिग इट। और यही 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 राइट राइट यही यही इंटरसेक्शन के नीचे है। आमिर और पैमा ने अपना पार्ट बहुत अच्छे से किया। हाथ चलाते रहो। कशिश बहुत बढ़िया, एक नंबर एक नंबर। कमॉन कशिश, कमॉन कशिश, थोड़ा बड़ा बड़ा खोदो, थोड़ा बड़ा खोदो। इतना डिगिंग मैंने लाइफ में नहीं किया यार, मतलब आई डिडंट नो दैट आई वाज कैपेबल ऑफ डिगिंग सो डीप। इट्स द इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन के नीचे है, इंटरसेक्शन के नीचे। जैसे चाबी निकाला डायरेक्ट चाबी जस्टिन को दे दियो। आमिर पैमा गुड जॉब। ये लोग अभी तक खोद रहे थे, उनके बारे देखो अभी इसको होता है परफॉर्मेंस। तेरा बाप आया। अगर तुम लोग मेरे को सिलेक्ट करते तो अभी तुम लोग आगे जाते। तुमको चाबी मिल चुकी है। कशिश वहाँ पे, यहाँ पे आते, वहाँ पे खोद। ठीक है। आगे आगे चल 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 जी जी जी। We finally got the chabi. I was ready next to the box to open it. Okay. So this. ढंग से देख लेना picture, ढंग से देख लेना. I think सबसे tough part यही था कि आपको puzzle याद करना है, but याद करना काफी मुश्किल होता है. Focus, focus. बहुत बढ़िया Justin, चलो चलो. सारा गेम आगे डिपेंड करता है वो पजल्स पे, जिस बंदे ने पहले पजल बना दिया वो बंदा जीत जाएगा। लेट्स गो, कम ऑन, गो 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 गो। ऑरेंज पीच, पिंक येलो ऑरेंज पीच मेरा।
भाई जितना जल्दी वो चाबी निकल के जस्टिन को दिया था वो उतना टाइम वेस्ट कर रहा था पजल याद करने में। जस्टिन चलना, दिस इज टाइम वेस्ट, यू हैव टू फिनिश इट फास्ट। सब कहते हैं बेटा मुझे तुझ में तो है फायर, बहुत बड़ा कमर हमें करेगा ये है डिजायर, थोड़े थोड़े शेर बंपर थोड़े से हम टाइगर, थोड़ो के हम मिक्स बेबी कहते हम बुलाएगा। हम लोग फुल पम्प थे कि आज कुछ भी हो जाए ये चैलेंज जीतना ही है, एंड साक्षी और जस्टिन जो आज तक कपल चैलेंज हारे नहीं है आज उनको हराना है और उनका मुंह बंद करना है। पैर फंसा संदू, पैरों का ग्रिप, पैरों का ग्रिप, पैरों का ग्रिप, संदू पैर फंसा, चल चल संदू, संदू ओह माय गॉड शी जस्ट कुड नॉट क्लाइंब, चल चल कम कम, संदू सिंगल लेग, संदू सिंगल लेग, हमें तो रस्सी खींच रहे हैं, सिंगल लेग, सिंगल फिंगर्स, चल 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 कम। माते जी जितना ध्यान आपने जादू टोटके पे लगाया है अपने, थोड़ा सा अपने शरीर पे लगा लेती तो आज शादी सिचुएशन। ओके रेडी रेडी, चल 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 गो, यूज योर फीट यस साक्षी, यूज योर फीट, यूज योर फीट यस साक्षी, गो। She climbed that rope so well. She's such a strong girl. I'm not even kidding. Kya baat hai? Good one, Sakshi. Main bahut proud feel kar raha hu kyunki Sakshi ne wo rope ko bahut jaldi chadkar upar pahunch gayi. Good job, Sakshi. I was getting a bit scared ki shayad Sakshi and Justin pehle hi project complete kar lenge. Fuck. Why is she not copying? Sandus, Sandus. Fingers, yes, fingers. Fingers, yes. Yes, fingers, yes. Yes, 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 yes. Fingers, fingers. तो फिर कशिश ने भी उसको कहीं ना कहीं वो बताया एंड फिर उसको समझ आया तो वो थोड़ा सा ऊपर आई। जस्टिन बंदर है मेरा भाई, चल। क्या बात है? जस्टिन कैसे पहुंच गए रे तू ऊपर? मैं देख रही हूँ कि संदू सभी भी वहाँ पे छिपकली की तरह लटक रही है जो कि बोलती है कि वो रोडीज है, तो एक रस्सी पे भी नहीं चढ़ा जा रहा है। Hamid was waiting for me, so Hamid got my hand, and finally, we are there. Be very careful. चल चल वो दे आमिर, वो दे आमिर, जो तेरे पास है वो दे। आमिर क्या बात है? कंपटीशन बहुत नेक टू नेक था। सेम टाइम पे कशिश और आमिर ऊपर पजल पीसेस फेंक रहे थे। ये ले। No, it's not like this. Wait a second. Now Kashish and Akashina are giving us the puzzle in the order. चल ये ले। Hamid, wait. This is not like this. While I was placing them, so Hamid like mixed everything. So I don't know anymore the order. Hamid, it's not like this. हो गए, खत्म हो गए। Hamid, what is this? We are like so lost. I thought that's gonna be easy. We just lost it at the puzzle. अगर आपने गलत पजल बनाए और बैठ गए तो सामने वाली टीम जीत जाएगी। Come on, Justin, come on. Easy, relax. ऊपर वाले की गरम है, अपना दिल नरम है, दिमाग गरम है, चल। ये लोग ऊपर चढ़ गए, पजल याद हो रहा है ये लोग को, सही बना रहे सही नहीं बना रहे कुछ आइडिया नहीं, लेकिन दिमाग में ये टेंशन चालू है कि भाई हमारा मेहनत बर्बाद नहीं होना चाहिए आज के दिन। पीसेस जब लगा रहे थे तब बहुत डिफिकल्टी हो रही थी बिकॉज वो कलर्स याद रखना, वो शेप्स याद रखना, एंड वो नॉर्मल पजल नहीं थी जहाँ पे वो आप एजेस को कनेक्ट कर करके बना दो। रिमेम्बर, आग बंद करके याद करो दोनों। जस्ट टेल मी व्हाट डिड ही गिव यू, जस्ट पुट वन ऑफ देम। आई डोंट रिमेम्बर। मैं देख रहा हूँ हामिद और संदूस पूरी ट्राई कर रहे हैं पजल को सॉल्व करने के लिए, और मैंने बहुत ही इजी वे आउट में उनको पजल के पीसेस दिए थे, एंड मैं यही कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये चैलेंज कर क्यों नहीं पा रहे? जस्टिन ऊपर का याद है ना, देखो जल्दी जल्दी इधर येलो ऊपर। नो 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 नो, फकिंग हेल, राइट राइट राइट, इजी। जो हम लोग नीचे देख के आए थे क्या पता नहीं मेरा दिमाग वो रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में था कि आज का टास्क जीतना है। डोंट गिव अप गाइस, फाइट हार्ड। Come on, come on, guys, come on! Come on! Then this, just tell me this. This is no summary, Arun.
Yeah, and then this. And Chot, can we come again? No, you cannot come again. You cannot come again. वो लोगों ने जो पजल्स पे टाइम लगाया, दोनों कपल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहे थे। मैंने कहा भाई ये दिखने में बहुत इजी लग रहा है चैलेंज, पर इतना इजी है नहीं। ओके, फ्रॉम नाउ ऑन द आइडियल मैचेस यू ऑल कैन गाइड देम सीइंग द पिक्चर। चलो, द आइडियल मैचेस कैन आल्सो हेल्प देम, क्योंकि वो दोनों से नए हो रहे हैं, ये पजल नहीं सॉल्व कर रहे हैं। लोकेशन में बिल्कुल क्योस हो चुका है, क्योंकि मैं चिल्ला रहा हूँ, आमिर चिल्ला रहा है, जस्टिन चिल्ला रहा है, हामिद चिल्ला रहा है, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। ड्रोन के लिए देखो सनी कैसे पागल हो रहे हैं, ग्लिट्स विलेन। राइट ऑफ। मैंने हामिद को बोला मेरी बात सुन, सिर्फ मुझको सुनियो जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जीतने का यही एक चांस था कि वो सिर्फ मेरे को सुनता। सुन हामिद, ये डार्क ब्लू के नीचे लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू के नीचे लाइट ब्लू है। यस। We could manage to put more pieces of the puzzle, but still it was like so stressful, because it's not about just winning a simple challenge, it's about getting the power of your ideal match. Justin, Sakshi, listen to their instructions. Where is this one? This one is in... Either. No, that one, that is in the middle. आमिर पैमा वो बहुत ही अजीब तरीके से बता रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था, एंड वहाँ पे हम काफी स्ट्रगल कर रहे थे, व्हाई इज इट नॉट गोइंग इन, और मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था। कपल मोर पीसेस, ऑलमोस्ट देयर, टू पीसेस एंड वी गोना बी डन। आई एम लाइक डैम, आई नीड टू विन, बिकॉज़ टुडे इज अ थ्रोन चैलेंज। सही कर रहे हैं, वहीं पे आएगा। What is this? This is the center, like top center. Yellow. Done. Yes! Come on! Yes! 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 राजा क्या सिंहासन, पाप की परिभाषा पावन, अक्रम अखंड अक्षय्या परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। हम बैठ गए थ्रोन पे, क्योंकि हमारा पजल कंप्लीट हो चुका था। अभी ये नहीं पता था कि हमारा पजल करेक्ट है कि नहीं है, एंड हम लोग उसकी वजह से भी काफी प्रेशर में आ गए थे। Get up. I'm like literally praying, Justin Sakshi, literally hoping that they win. Hamid and Sundus, आपका पजल बिल्कुल सही था। मतलब मुझे पता था कि ये चैलेंज मैंने ही जितवाया है इसको। ये चैलेंज जीत के बहुत अच्छा हुआ है, पावर भी आई है, सिक्योरिटी भी आई है, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। तारा बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे उनकी जीतने पर, मैंने उन्हें उतना भाव नहीं दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि अब ये मैं इस कंफ्यूज खिचड़ी में नहीं पड़ना चाहती हूँ कि कभी आप बोलते हो कि आप चाहते हो मैं जीतूं, एंड नाउ दे आर सपोर्टिंग द अदर टीम। आमिर एंड सुंदूस, यू ऑल विल होल्ड द पोजीशन ऑफ द आइडियल मैचेस, एंड यू विल हैव द पावर्स। यस, सो विल कशिश एंड आकाश लीना। विदाउट बीइंग एन आइडियल मैच, वी आर गेटिंग द पावर ऑफ एन आइडियल मैच। Damn! I mean, that's my game. That is winning. आज का चैलेंज हारना हमें बहुत भारी पड़ सकता था, कि मुझे पता है आज जब हामिद सुंदूस को मौका मिला है तो वो एक कमी नहीं छोड़ेंगे मुझे और जस्टिन को बाहर करने में। कि ये गेम का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा आ चुका है कि ये चैलेंज हारना हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा साबित हो सकता है। हम वापस आए विला में, सुंदूस काफ़ी खुश थे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास होने वाली है कुछ पावर्स। हामिद एंड सुंदूस ने आज जस्टिन साक्षी को बहुत बुरी तरीके से हराया, और इस बात को देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश था। जब मैं विला में पहुंचा तो मैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। उसे देख के साक्षी को थोड़ा नाराजगी हुई। आप हमेशा एक ही नजरिए से चीजें देखते हो। मुझे नहीं करना है तारा। I saw how happy you were,
एक दिन आपने बोला था साक्षी, I'll be so happy if you win. Of course, I want that. But you now, I want you to win with me. Did you ask me what I want? आपने गेम खेलने चालू करी उसके साथ. मैंने कोई गेम नहीं खेलने चालू की. जस्टिन ने गेम खेली. अगर मुझे गेम खेलनी, अगर मुझे गेम खेलनी होती ना पहले दिन से, I would have never switched. उस दिन हुआ ना, उस दिन हुआ. My only problem is that I respected your feelings. मैं वही कह रहा हूँ. ये बहुत ही cheap लग रहा है, I'm telling you. Don't worry, you're not going home. I don't give a fuck. If he goes home, I'll go home with him. Simple. मैं तुझे घर नहीं जाने दूंगा और मैं जस्टिन को बाहर निकाल के रखूंगा और तुम दोनों ने जो गेम चालू करी थी उसे एंड मैं करूंगा. जा जा, तुम मिटा. अरे सुनो उसके कुछ कह रहा है. तारा, don't fuck with me. गलत है तारा. Don't fuck with you, I'm telling you. What do you mean, सुनो उसकी. You're listening to him, no through. I am not. You are. मैं अपनी करती हूँ, किसकी सुनती नहीं हूँ, समझ में आया? क्या कर रहे हैं पागल है क्या? पहले दिन पे बोला था मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बात करता हूँ. अब तेरी फटी तो तू अब ऐसे बात कर रहा है मेरे से. अभी करता है तेरी गांड. I'm talking to him. तेरी भी गांड फाड़ सकता हूँ. तूने कोई टाइम जीता नहीं, समझ रहा है? We'll see. प्यार से बात कर रहा हूँ. देखो मैं भी तेरे प्यार से बात कर रहा हूँ. रिस्पेक्ट करने आता नहीं लड़की का. लड़की का रिस्पेक्ट करना आता है, तेरा नहीं. इसीलिए यू से कि मैं उसकी सुनती हूँ ना. मैं किसी की नहीं सुनती हूँ, आपके भी नहीं सुनती. आपने मुझे मौका ही नहीं दिया वहाँ पे उसकी सुन के. ठीक है, नहीं दिया, मेरी मर्जी. Saying it, नहीं दिया. Now you're saying it. Of course. Wow, thank you so much. अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जहाँ पे तारा को समझाना दीवार में सर मारने के बराबर था, तो मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया. क्या हो गया साक्षी? अरे मेरी बात समझ भाई, अब मेरी बात सुन. बोल रहा है कि मैं घर जा रहा हूँ करके. क्यों? आज बहुत पॉसिबिलिटी है मेरा घर जाने का, तेरे को भी पता है. तू बताओ सोनू क्या करने वाली है? बी ऑनेस्ट. मेरे को सच बता, मेरी भी बात नहीं है. आई स्वेयर मैं जाने के चांसेस रखता हूँ. मैं ये क्या चाहता हूँ कि तू सोनू से जाके बात करे. मैं कर लूँ. सोनू, दिस इज द टाइम आई वांट टू स्पीक विद यू अलोन. दिस गर्ल इज क्राइंग बिकॉज़ शी थिंक्स कि जस्टिन डिक्रोज इज गोइंग होम टुडे. किस ये? मैंने अभी नहीं सोचा. नो, आई एम स्टिल थिंकिंग. आई एम स्टिल थिंकिंग. यार तू रो क्यों रही है? अबे यार अब सुन, देखो मैं निकाल देना. अबे ऐसे क्यों होता है यार? तो निकाल यार, साथ में निकाल, ऐसे अलग मत निकाल. अब किसी ना किसी तो जाना ही है, अभी पता थोड़ी है. रुक तो जाओ, क्या होगा डंपिंग में हमें थोड़ी पता है. एवरीवन केम टू पिच टू मी. द ओनली पर्सन हु जस्ट ट्राई पिच फॉर मी कैजुअली वाज कशिश. कशिश और मैं का तो पता ना क्या करना. से ना आई एम डंपिंग मैन. From dumping man. We have to go as planned. We have to. I knew that Kashish wants me to dump Mehak, but he's not saying it in front of everyone, and I'm waiting for him to come. Kashish, just admit that you want me to dump her so that your game can be easier. He never came to me in a room and grabbed my hand. Ki Sundus, I want to speak to you about Mehak. Agar such me you're interested in to keep me running the game, you could have came to me. Amit, kab se bula raha tha main? मेरे को तो बुला रहा था, बट अभी उधर आके बस तूने बड़ा कैजुअली बोला. उसका फरामोश सबसे बड़े स्प्लिट फिला के. कौन है सबसे बड़े? तेरे को नहीं बोल रहा हूँ मैं. उसको मत बोल, उसके लिए मत बोल, क्योंकि मैं अकेले लिए कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ. गलत नहीं हो सकता. नहीं, क्या बताऊँ, क्या बताऊँ? तो मेरे को एक बात बताइए, सारे लोग हैं, मैं किसको निकालूं? सारे मेरे दोस्त हैं. अरे नहीं, उसको बता, बात करी थी. तूने इधर आके बोल तो रहा हूँ, बड़ा कैजुअली बोला. यही बात तो मैंने भी बोली. ये बात तो मैं के चैलेंज के लिए खड़ा हुआ, आती मैंने तो पहली बात क्या बोली? सेव महक, आई एम परफॉर्मिंग फॉर यू, आई गिव माय 100%. आई सेड दैट. यार ऐसा फ्लिप इंसान मैंने अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं देखा. मैं ऐसा पहली बार देख रहा था कि ऐसे लोग भी होते हैं. कौन से दैट? मैं बहुत कैजुअली बोल रहा था. नो, डोंट प्ले विद वर्ड्स. यू से आई एम नॉट प्लेइंग विद वर्ड्स. यू आर प्लेइंग विद वर्ड्स. यू से आई एम नॉट प्लेइंग विद वर्ड्स. यू ऑलवेज से सेम मैन दैट से ओके. नो, डोंट प्ले विद मी. 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 स्टॉप प्ले विद मी. यू डिड इट. यू डिड इट. यू डिड इट. माय गॉड. मुझको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था. मैंने कहा अगर आज कुछ भी मेरे पास पावर आती है, और गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, गेम अभी बाकी है, तो मैं सोनू से कोई जीने नहीं दूंगा यहाँ पे. इस कन्वर्सेशन के बीच में कश्मीर मुझे खींच रहा है कि चल महक चल, हमें बात ही नहीं करनी. ठीक है बात नहीं करनी, बट
ये सब क्या हो रहा है? मैंने सब क्या किया है किसी के साथ जो लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं इस तरीके से? Don't fucking care about her. You're using her. You are using her. Why do you speak? He doesn't know that. Why do you speak to her in the night for hours? Why? Why are you not staying in the night with Mehak instead of staying with Akashina? Why? Why are you grabbing her hand instead of grabbing her hand? Why? He is staying with me. You fucking after. Why do you come to my room? Why do you come to my room every morning to wake her up? Why? मेरे साथ कौन होता है? क्योंकि मेरे साथ जो बंदा होता है वो कशिश होता है, और अगर ये कह रहे कि ये बंदा कशिश आकाश ने कशिश के साथ है तो क्या हो रहा है? तो वहां मुझे पता चल गया भाई झूठ बोल रही है ये बंदी। Why do you spend time with her? Why do you come पूरा टाइम टू माय रूम? I want to speak to Akashina. तो तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो बोलती है उधर खड़े होकर मेरे से बात नहीं करता, उसका आइडियल कनेक्शन हो गया, उसके साथ कनेक्शन नहीं है, उससे कोई बात नहीं करता। अरे भाई मुझे इस बंदे पे आज यहाँ खड़े होकर इतना भरोसा है ना कि वो इससे 10 दिन भी बात करेगा, I don't give a fuck because I trust him. Stay with whom you are spending 2 hours till 5 a.m. in the morning, then. Why aren't you spending time with him till 5 a.m. in the morning? Why are you spending it with him? Q? 5 a.m.? Tell me. Arey, don't put me in this situation. I never give you my word, I'm gonna save her. Arey, yaar. What were you doing yesterday night? I want to listen. I don't want to stay this way. It's between both of you. Why? Why are you not saying this to her? Because it's coming unnaturally. No, it's not coming naturally. You're putting me in a situation where I'm saying things. Tell her. Tell her about holding hands. Tell her about everything. Why am I the only one exposing things in this fucking villa? Say things to her. If I'm doing it as a support to my friend who's Akashina, so Akashina, you fucking take a stand for yourself. And you tell everyone that you really wanna dump Meg. का आज power मेरे पास भी है, आज power तेरे पास भी है. तो आज ये power का जो clash है ना, वो तेरे को बताएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ. This is MTV Splitsvilla 14, co-powered by Wildstone Deos and Perfumes and on Total Comfort. And welcome to the dumping ground. Tara, aaj tum performance ke time aise cheer kar rahe the Hamid aur Sundus ke liye. जैसे कि तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। आज सर जो मैंने वहां पे सेलिब्रेशन था जो मेरा, वो किसी के घमंड टूटने का सेलिब्रेशन था। जस्टिन इज लाइक ब्रो आई एम द विनर ऑफ द शो और साक्षी और मैं जीतने वाले हैं और तू ना घर चला जा। उसने बोला था कि वो चाहता है कि वो जीते। चाहता नहीं है साक्षी, उसने सीधा बोला था ब्रो मैं और साक्षी गेम जीत रहे हैं। बट मैंने ये बोला कब? अरे बोल सकता है तू, बोल सकता है, कॉन्फिडेंस है तेरे में? मेरे में कॉन्फिडेंस पूरा है, बट मैं इसको ये क्यों बोलूंगा? कॉन्फिडेंस टूट गया। वो आया था साक्षी को जीतने और मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ के खुश हो गया। लवली ब्रो, वाओ, बहुत खुश था। मैं तो पूल पे भी गया हूं भाई, अभी अगली बार और खुश होगा। बच्चा है ये, इसे लग रहा है यहाँ चूतिया बैठे हैं हम यहाँ से सारे। अरे उसको अपने आप पे भरोसा है, उसने गलत तो आज दिख गया ना भरोसा। हाँ ठीक है ना, रोज नहीं जीतेंगे। वही तो, that's what he is like, bro मैं तो डेली जीतता हूँ, स्टार्टिंग से अभी तक जीतते हुए आया हूँ। बोला है प्लीज, बोला है ब्रो तूने, पर तूने टास्क से पहले ये बोला कि मैं और साक्षी जब भी परफॉर्म करते हैं हम जीतते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ है? ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है ना? वो तो सनी ने भी बोला था। हाँ मैम, मैंने भी बोला। आप दोनों जब खेलते हैं ना जीतते हैं। उसको ये बात लगी तभी तो कह रहा है। आज हमें जब मैं हारा मैं देखो कि क्या बोला,
मैं ये बोला कि अरे मैं तो जीत गया नहीं 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 हाँ मैंने एक्सेप्ट किया मैं आ रहा बट उसको ये लग रहा है पजल में ना ये गलती हो गई भाई ये ना गलती हो गई ये कुछ मिस्टेक थी इसलिए हार गलती हुई इसके लिए हारा ना कोई गलती नहीं थी ब्रो हारा है तू सीधे एक्सेप्ट कर अरे पागल है क्या आज हमने बताया हमिद संदूस दैट इफ यू विन यू विल गेट द पावर्स ऑफ एन आइडियल मैच नाउ But now, I want you to pick a couple who you think could be an ideal match, or who you would like to send to the Oracle. Amit Sandhu, let's have a deal. अगर आप हम दोनों को भेजते हो, अपन यहाँ पे deal fix कर लेते हैं. Amit. अरे माँ कसम गेम ऑन वी डिडंट इवन हैव टू लाइक रिप्लाई बैक इफ शी डजंट वांट टू गो विद यू सो देन व्हाई वुड वी वेस्ट दिस चांस बट साक्षी क्या हुआ मैं बहुत अजीब फील कर रही हूँ उनके टूवर्ड्स पिछले कुछ दिनों से जब से वो आए हैं मैंने उनकी फीलिंग्स और इमोशंस को बहुत रिस्पेक्ट किया है बट मुझे ऐसा लग रहा है या तो उनके इमोशंस उन पे बहुत हावी हो गए वो बहुत अजीब चीजें कर रहे हैं अजीब चीजें क्या है मतलब ही इज टॉकिंग टू हिम बुलशिट एंड आई जस्ट फील लाइक इट्स वेरी अननेसेसरी जहां पे आई एम नॉट टॉकिंग बुलशिट जो आपने किया मैंने बोला वहां पे सामने ठीक है तारा लेट मी फिनिश जहाँ पे जस्टिन ने मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस देने की कोशिश की वहीं पे मुझे ऐसा लगा कि वो स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं मतलब मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है उनके टूवर्ड्स एंड I feel Justin is a very nice guy. He's the kind of guy every woman deserves. And I want to continue with him. Finally, the moment we were waiting for. धीरे धीरे मेरा इश्क बढ़ता गया और मुझसे कहा ना गया तारा क्या कहना सर मैंने एक चांस मांगा था आज भी मैं आपसे एक चांस मांग रहा हूँ साक्षी जो आप मुझे चांस नहीं दे रही हो तो बाबा प्रॉब्लम ये है कि तू जो भी चीजें बोलता है ना तो उसको बैकअप नहीं कर पाता मेरे भाई बैकअप वाली बात नहीं होती तेरी बंदी तुझे मना करेगी ना तब तुझे कैसा फील होगा तब देखना आप तू कभी बोलता है मेरे को ये विन करना है कभी सिर्फ नहीं आई वाज वेरी आपने बातें बहुत घुमा दी जस्टिन मुझे क्लियर करने दो अभी मैं सीरियसली सिंपल पॉइंट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठ रहा है अभी कैरेक्टर पे नहीं मैं जिस दिन मैं डेट पे गया आई वाज वेरी क्लियर कि तू उसके साथ जीत या मेरे साथ जीत लेकिन आज क्या हुआ बट उसके अगले दिन जब मैं मॉर्निंग से आई एम आस्किंग फॉर अ चांस सिंस वेरी लॉन्ग टाइम आप मुझे चांस नहीं दोगे उसके अगले दिन तो मैं कैसा फील करूंगा मैं एक्सप्रेस नहीं करूंगा अपने आप को उस दिन मेरे भी लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रेस आ गया था सबको पूछ दो दिन तक तू जो बोल रहा है ना मैं भी उतने ही स्ट्रेस में था बट मैंने वो इसको नहीं बोला साक्षी एक लड़का आ गया अब तू मेरे को ऐसा कर रही है चल गेम ऑन मैं जब आया स्टार्टिंग में उसके डिसीजन पे रिस्पेक्ट कर रहे थे हम दोनों वहाँ पे पर हमने टाइम लिया है मैंने जबरदस्ती नहीं करी है बाबा उसके बाद एक मिनट ने एक मिनट चांस भी दिया था दो एक मिनट उसके बाद कबड्डी वर्ल्ड चांस में उसने मेरा नाम लिया तो मुझे होप आई राइट एम आई रॉन्ग एंड देन यू मेस्ड इट अप बोलने दे मेरे बोलने क्यों देता तू मुझे सॉरी उसने मुझे होप दी उसके बाद मैंने उसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे एक चांस चाहिए मुझे चांस चाहिए उसने मुझे चांस नहीं दिया अभी भी मैं यहाँ पे खड़ा होकर उसे एक चांस मांग रहा हूँ मत मांग इफ इट्स ऑलरेडी हैपेंड सो आई लव हर वी अंडरस्टैंड दैट बट शी हैज कम टू अ डिसीजन यू आर एक्चुअली फोर्सिंग हर आई एम नॉट फोर्सिंग हर यू आर फोर्सिंग हर एवरी सिंगल मॉर्निंग I go to her, I talk to her very normally because I love her. I want, it's not only the game,
I see so many things without it in real life. Which she didn't see over here. उसके दिमाग में गेम चढ़ गया यहाँ पे आके. Game on. ये है game on bro. जब तेरे साथ होता तू अगर मेरी जगह पे खड़ा होता ना तुझे मैं तब से तेरे से बात करता कि कैसा फील होता है. Still, अभी भी मैं छोटा बन के अपनी इज्जत गिरा के उसे चांस मांग रहा हूँ जो मेरी खुद की बंदी मैं चांस नहीं दे रही है यहाँ पे. तारा मैं आपके साथ और अंकल के सामने इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि फिर मुझे आपके साथ परफॉर्म करना पड़ेगा. मैं उसके साथ शुरू से हूँ एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट बट यू आप किसी को चांस ही नहीं दोगे. हाथ मत लग जाएगा तेरा. अबे हाथ लग जाएगा तेरा वो बोल रहा हूँ. सॉरी आई एम सॉरी. हां जज्बात में इतना मत आ के मार दे आजू बाजू इसको. मैं आपको यही मैं चूतिया दिख रहा हूँ ब्रो सबको. तारा तूने ये बोला था अगर साक्षी मेरे साथ भी जीतती है तू खुश है. तूने भी बोला था ब्रो. मैंने ये तूने फिर उसे चांस क्यों नहीं देने दिया. मैंने क्या नहीं करने दिया तारा वो मेरा डिसीजन था. मैं समझा नहीं पा रहा हूँ तेको लगेगा मैं तेरा मजाक बना रहा हूँ बट इतना समझ क्यों तूने ये बोला. I'm requesting you from the bottom of my heart. I really need a chance. जो उसने नहीं दिया बट आप मुझे दोगे तो मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा. अरे भाई she doesn't want to go with you. उसे लगता है कि वो अच्छा परफॉर्मर है वो ही परफॉर्म कर सकता है. मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं भी परफॉर्मर हूँ. पर तारा तो जबरदस्ती से तो नहीं कर सकता ना. मैं वही आई अंडरस्टैंड ब्रो बट मुझे क्या लगता है तारा आप क्योंकि आपके एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. इट्स ओके माय एक्शंस आई हैव अ माउथ आल्सो. कैन यू जस्ट एक्सेप्ट दैट शी हैज मे बी मोर स्ट्रांग फीलिंग्स टुवर्ड जस्टिन देन यू. आई एम जस्ट सेइंग they have paired up for the game. We have a genuine connection. How do you know? Can't you see that? I can't. She's saying no. Is that true? Sandus, I want to continue with Justin. Is that clear for you? I mean, it was clear for me. I'm just trying to make you understand things and help you accept the reality. It's hard, but she doesn't want to be with you, neither to compete with you, neither in real life. Sakshi, I am literally asking for a chance. Can't you give me a single Fine, chance? Fine, send me, man. I just don't know. No, don't do this, please. No, send me, man. No, that doesn't work like this in this show. Say yes, say